नमस्कार दोस्तों, देखिए पिछले दिनों द जयपुर डायलॉग पर मैं गया था और संजय दीक्षित जी के साथ वहाँ पर मेरी चर्चा हो रही थी। महुआ मित्रा वाला जो मामला हुआ इसको लेकर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था अपने शो में। उसमें मैंने एक बात कही थी, उसमें मैंने एक बात खास तौर से जो बताई थी वो अपने किसी वीडियो में मैंने अभी तक नहीं बताई थी, और वो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने दिल्ली में यहाँ के एलीट क्लास में हाई सोसाइटी जिसको कहते हैं, जिसको लुटियंस मीडिया कहा जाता है, लुटियंस जोन का जो सर्कल है वो कहा जाता है, जिसको खान मार्केट गैंग कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बड़ा करीबी से देखा। पिछले लगभग 10 साल से मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, उन लोगों को पहचान रहा हूँ। तो मैंने दीक्षित जी के एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि जो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन होते हैं, यानी कि जो पहली बार सांसद बनते हैं, और दिल्ली के इस हाई क्लास इलाके में जो ख़ास तौर से लुटियंस का इलाका है, कनॉट प्लेस और आगे इंडिया गेट की तरफ चलते हैं, उसके चारों तरफ इंडिया गेट की तरफ जितनी भी सड़कें हैं, पंडारा रोड, फिरोज शाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, ये सब जो आसपास का इलाका है लुटियंस का, उसमें जो ख़ास तौर से जिसे नई दिल्ली का कंसेप्ट कहा जाता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी उसी में ही आता है, बाराखंबा रोड है जिस पर बड़े बड़े कारोबारियों के बंगले हैं, और उस समय के अंग्रेज़ों के समय के जो आईएएस अफसर हैं उन सब लोगों के रिटायरमेंट से पहले उन सब लोगों ने अपने वहाँ बंगले ले लिए थे। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कई लाख की आबादी ऐसी है जो वास्तव में जिसने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं देखा, जिसने कभी जमीनी स्तर पर स्ट्रगल नहीं किया, वो सीधे हाई क्लास सोसाइटी में पैदा हुए, बढ़िया कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े। अब जैसे कि दिल्ली से, दिल्ली में कनॉट प्लेस से आप बाराखंबा रोड पर अगर चलते हैं, मंडी हाउस की तरफ अगर आप जाते हैं, तो एक मॉडर्न स्कूल वहाँ पर है, सब लोग जानते हैं कि उसमें अंग्रेज़ों के समय से अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ा करते थे, या फिर जो रईस थे भारत के, दिल्ली के ख़ास तौर से आसपास के इलाकों के, उनके बच्चे उसमें पढ़ा करते थे, क्योंकि उसका पढ़ाई का जो पैटर्न था वो बिल्कुल इंग्लैंड वाला था, ब्रिटिश वाला, और सबके अंदर एक ये इच्छा थी कि हमारे बच्चे भी अंग्रेज़ी बोलें, ICS बने जिसे अब IAS कहा जाता है, विदेश में जाएँ, अच्छी नौकरियाँ मिलें, सरकारी नौकरियों में जाएँ। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन स्कूल, मॉडर्न स्कूल अभी भी है, और मैं बताऊं उनके गौतम गंभीर, राघव चड्ढा, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानता हूं जो इन्हीं से निकले हुए हैं, इसी प्रकार के स्कूल से निकले हुए हैं। तो यहां का जो एक इलाका है, पूरा कनॉट प्लेस के चारों तरफ का इलाका है, ये रोज़ाना शाम के समय बहुत सारी एक सोसाइटी इनकी बनी हुई है, क्लब्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, ये सब लोग मिलते हैं शाम को, पार्टी करते हैं, जाम छलकाते हैं, और बिजनेस, कारोबारी लेन देन भी वहाँ पर किए जाते हैं। बहुत कम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं क्योंकि ये चीज़ ओपनली नहीं होते। आपको याद होगा कि लगभग 20-25 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक Page 3 कॉन्सेप्ट लाया था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के साथ एक सप्लीमेंट आता है दिल्ली टाइम्स, उसका जो तीसरा पेज होता था उस पर इसी तरह की पार्टीज़ की तस्वीरें छपती थी। किस तरह की पार्टीज़ होती थी कि साहब किसी बिजनेसमैन ने जिसका घर यहाँ लुटियंस के इलाके में है या नई दिल्ली में है, वो पार्टी दे रहा है अपने घर पर, या अगर घर पर नहीं दे रहा है तो किसी कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में दे रहा है, 5-स्टार होटल हैं बहुत सारे कनॉट प्लेस के इलाके में, वहाँ पर दे रहा है, और उसमें सेलिब्रिटीज़ आते थे। कई बार तो मुंबई के फिल्म स्टार नज़र आए, फिर बाद में जब क्रिकेटर्स का क्रेज आया 83 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जब भारत ने 83 का वर्ल्ड कप जीता था, तो लगभग 90s का जो दौर आया, फिर उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी नज़र आने लगे। ये सब लोग इनको क्यों बुलाते थे? इन सब लोगों का एक ओपिनियन थी, इन सब लोगों की एक थिंकिंग थी कि अगर हमारी पार्टी में कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार आ रहा है, या कोई क्रिकेटर आ रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार मुंबई से अपनी पत्नी के साथ आया है,
और सह परिवार आया है हमारी पार्टी में, तो हमारी पार्टी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी मिलती है कि साहब ये जो फला साहब हैं या जो शर्मा जी हैं या जो फलाना जी हैं, इनकी पार्टी में तो यार बड़े बड़े लोग आते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊँचे ऊँचे हैं, और इन कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊँचे ऊँचे हैं का जो परसेप्शन बनता है उसके माध्यम से ये अपने संपर्क बनाते हैं। अब इसमें संपर्क बनाने के लिए, देखिए किसी भी काम को कराने के लिए, कोई भी बिजनेस डील होनी हो, कोई भी ठेका लेना है किसी भी तरह का, किसी के इवन बच्चे का भी एडमिशन अगर किसी स्कूल में कराना है, कॉलेज में कराना है, तो उसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स ज़रूरी है। और ये उस दौर में बहुत होता था जब सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी। आजकल तो सब लोग ऑनलाइन बच्चे अप्लाई कर देते हैं, मेरिट बनती है और एडमिशन हो जाते हैं, सब चीज़ ओपन है, आपको किसी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दौर वो होता था कि जब सब काम मैनुअली होते थे और सोर्स सिफारिश की अपनी एक पहचान होती थी। तो ये जो पार्टियां हैं वहां से इनका सिलसिला शुरू हुआ, अखबारों में छपने लगी। वैसे आजकल मैं देख रहा हूं कि अखबारों में अब ये कम छपती हैं क्योंकि लोग इन चीज़ों को हाइड करने लगे हैं कि हमारी पार्टी में कौन आ रहा है। अब मान लिया किसी कम्युनिस्ट लीडर ने कोई पार्टी बुलाई है फाइव स्टार होटल में और उसमें कोई बीजेपी का नेता आ गया है और उनके साथ फ़ोटो क्लिक हो गई है, वो फ़ोटो अखबार में छप गई है, तो आपने पेज 3 फिल्म देखी होगी, कोंकणा सेन शर्मा उसमें यही पत्रकारिता करती थी, वो लेट नाइट पार्टीज़ को कवर करती थी। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है कि यार हमारी फ़ोटो नहीं छपनी चाहिए, हमें नहीं पता लगा, हम आएंगे आपकी पार्टी में लेकिन मीडिया को नहीं पता लगना चाहिए या वो पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए। हालांकि अभी भी चली जाती हैं क्योंकि अब आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सब लोग फोटो खींच लेते हैं, अपने सोशल मीडिया पर डाल देंगे, कोई इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कोई रील्स बना देगा। जैसे कि पिछले दिनों सनी देओल के बेटे की शादी हुई थी, उसकी कितनी वीडियोज़ वायरल हुई। सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं तो इस बात से बड़ा नाराज़ था कि साहब यार ये तुम हर जगह ये फ़ोटो और सेल्फी लिए जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि आज का दौर है, बदल गया है, बच्चे हैं, सबके अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, किसी को इंस्टाग्राम पर डालना है, किसी को कहीं डालना है, मैं किसी किसे रोकता फिरूंगा। तो अब चीज़ें दूसरी तरीके से सामने आने लगी हैं, जैसे कि महुआ मित्रा वाला प्रकरण हुआ है। महुआ मित्रा की जो तस्वीरें हैं वो सब अलग अलग जगह की हैं, जय अनंत देहाद्रई के साथ वो किसी और पार्टी में नज़र आ रही हैं जहाँ पर वो सिगार में कश लगाती हुई दिख रही हैं, शशि थरूर के गले लगती हुई नज़र आ रही हैं वो किसी और ओकेजन की हैं। लेकिन वो महुआ मित्रा ने तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर नहीं डाली, उनके दोस्तों ने डाली या जो उन पार्टियों में लोग आते हैं जिनके वो संपर्क में थी उन्होंने अब उसका मिसयूज़ किया। मैं इसे मिसयूज़ ही कहूँगा क्योंकि मौका था, घटना ऐसी हुई है और महुआ मित्रा को लेकर विवाद भी ऐसा ही हुआ है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के इस इलाके में जो लुटियंस का इलाका है ख़ास तौर से, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी डीलिंग्स होती हैं जिनका हमें और आपको पता भी नहीं लगता। आपने किसी मिनिस्टर को बुलाया और वहाँ किसी से मिलवा दिया कि साहब इनका कोई काम है, कोई बिजनेसमैन है, कारोबारी है, कि सर आप हमारा ये काम करा दीजिएगा, इसके बदले हम आपका ये काम कर देंगे या आपको हम ये बेनिफिट दे देंगे। ये सब डील्स यहाँ पर होती हैं। और मैंने जो कहा फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, देखिए दो तरह के सांसद आते हैं दिल्ली में रहने के लिए। कुछ सांसद तो ऐसे होते हैं जो ज़मीनी नेता होते हैं, पहले चुनाव लड़ा विधायक का, 10 साल विधायक रहे, फिर उसके बाद पार्टी में स्ट्रगल किया, फिर टिकट नहीं मिला, फिर सरकारें बदल गई, राज्य में किसी और की सरकार बन गई, केंद्र में किसी और की सरकार बन गई, पार्टी बदल ली तो फिर उसके बाद MP बनने का मौका मिल गया, फिर दिल्ली आ गए। ये लोग एक लंबी स्ट्रगल देख कर आते हैं। इस तरह के लोग दिल्ली की चक्काचौंध से नहीं घबराते, ना ही वो बहकते हैं। लेकिन महुआ मित्रा जैसे लोग जो जिन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा है, जो समृद्ध बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स में हुई है, विदेशों में रहे हैं ज़्यादातर समय तक, हमारी जो ग्राउंड लेवल की, जो ग्रास रूट लेवल की जो हमारी संघर्ष हैं लोगों के, जिन्होंने वो नहीं जिया है, वो सब लोग दिल्ली की इस चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। ये पार्टीज उनको अट्रैक्ट करने लगती हैं, खास तौर से जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो उस समय तो पार्टियों का ज़बरदस्त सैलाब सा इस लुटियंस इलाके में आ जाता है। आप देखिए कई रेस्टोरेंट्स हैं, आप जाइएगा उनमें, एक लोकल नाम से एक रेस्टोरेंट है कनाट प्लेस में, N ब्लॉक के सामने है, बारबेक्यू नेशन है,
इसके अलावा तमाशा नाम से है, तमाशा नाम से तो बताया जाता है कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके बेटे की पार्टनरशिप है उसमें, तो और भी तमाम इस तरह के हैं, फाइव स्टार होटल्स हैं, उनमें जो है रोज़ाना पार्टीज़ बुक रहती हैं, यानी कि रात के 10 बजे और उसके बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तक पार्टियाँ चलती हैं। और पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है पार्टीज़ की, क्यों, सारे सांसद दिल्ली में आ जाते हैं, सारे मंत्री दिल्ली में आ जाते हैं, सारे बड़े बड़े नेता उस समय दिल्ली में रहते हैं, और बड़ा आसान होता है। एक पार्टी में आप किसी से मिले, एक्स मिला किसी से, फिर उसने जाके पार्लियामेंट में वाई से मुलाकात की, भले ही वो दूसरी पार्टी का है, उन्होंने कहा कि यार हमने वो मिले थे फला फला, वो आपके बारे में ये कह रहे थे, कह लेगा यार मिलवाओ हमें भी उनसे, कह लेगा ठीक है कल रात उनकी पार्टी है आप आ जाइए उसमें, और फिर उनको वो इन्विटेशन भी भिजवा देते हैं, एक्स और वाई मिलते हैं और फिर जेड के साथ डील्स हो जाती हैं, समझौते हो जाते हैं कि साहब आपको ये करना है, आप ये करा दीजिए अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में तो इस बिजनेस की बहुत संभावनाएं हैं, बस हमें वहाँ कहीं लैंड दिलवा दीजिए और उसके बदले हम आपकी जो चुनाव में खर्चा होगा उसमें हम आपकी सहायता कर देंगे। इस तरह की डील्स इन मीटिंग में होती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं दर्जनों ऐसे सांसदों को जानता हूँ जो पहली बार सांसद बने, दिल्ली की इस चकाचौंध से बिल्कुल एकदम भौंचक रह गए कि यार यहाँ तो सब कुछ खुलेआम है, हर चीज़ यहाँ बड़ी इजीली अवेलेबल है, बस आपको कहने की देर है, आपके घर भिजवा देंगे। वो सब एक बार सांसद बने, अगली बार चुनाव हार गए या टिकट नहीं मिला, वो सब इस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं। और ये जो महुआ मित्रा हैं या और बहुत दूसरे जो अपने आप को इंग्लिश बोलने वाले और एलीट क्लास के जो लोग हैं, इन सब लोगों को भी एक इनसिक्योरिटी की भावना बनी रहती है, इन सब के मन में भी एक इच्छा बनी रहती है कि यार मुझे हाइलाइटेड रहना चाहिए जिससे कि पार्टी में भी मेरा दबदबा रहे और मीडिया में भी मेरी सुर्खियां बनी रहे। मीडिया का बड़ा मिसयूज करते हैं ये लोग, जब इन्हें किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई खबर छपवानी होती है तो ये मीडिया को लीक कर देते हैं कि यार ये खबर तुम नहीं बना रहे हो, बताओ वर्मा जी आपने ये खबर नहीं चाहती, सिंह साहब आपको ये बनानी चाहिए खबर, ऐसे ऐसे चल रहा है आप छाप नहीं रहे हो, उसके बाद खबर छप गई। लेकिन जब आपके ही खिलाफ कोई खबर चल जाती है, जैसे कि महुआ मित्रा की एक खबर अभी चली है, वो खिलाफ नहीं चली कायदे से, महुआ मित्रा पर आरोप लगे हैं और महुआ मित्रा उनका जवाब दे रहे हैं, वही सब चीज़ें मीडिया छाप रहा है, जो एफिडेविट आ रहे हैं सामने, जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके बयान छप रहे हैं, उनके क्लेरिफिकेशन चल रहे हैं, मीडिया ने इसमें अपनी तरफ से कोई तड़का नहीं लगाया है। लेकिन महुआ मित्रा को ऐतराज़ है, उन्होंने जो अपना मानहानि का मामला बनाया है उसमें कहा है कि जो 15 मीडिया हाउसेज हैं उन्हें भी अपनी सामग्री सारी टेक डाउन कर लेनी चाहिए और मेरे बारे में जो कंटेंट छापा जा रहा है वो सब खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर दें भाई, आप पर आरोप लगे हैं खुलेआम, वो रिटिन में है, वकील साहब ने खुलेआम एफिडेविट दिया है सीबीआई को, निशिकांत दुबे को दिया है, पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के पास मामला पहुंचा हुआ है, हीरानंदानी ग्रुप ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है वो भी मीडिया में आ चुका है। इसके अलावा जो शार्दुल श्रॉफ और उनकी पत्नी हैं कारोबारी, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है, वो भी मीडिया में आ चुका है और उन्होंने भी खंडन कर दिया है कि साहब हीरानंदानी ने जो हमें लपेटा है महुआ मित्रा वाले मामले में उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक में आ रही हैं और मीडिया उसी को छाप रहा है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ अपने मीडिया के साथियों से कि कभी भी मिसयूज़ मत होना, जितने भी नेता लोग हैं जब तक ये सत्ता में हैं तब तक आपका खूब इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही इनके हाथ में ताकत आती है, समझ लीजिए आप किसी विधायक के बड़े करीबी हैं या किसी सांसद के बड़े करीबी हैं और आप उसे तब से जानते हैं जब वो सांसद या विधायक था भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो सांसद और विधायक बनता है, मिनिस्टर बनता है, आपके फ़ोन कॉल्स उठाने बंद कर देगा। बहुत सारे ऐसे मामले मैंने खुद देखे हुए हैं, वो तुरंत नंबर डिलीट कर देते हैं मोबाइल में से। इस तरह के लोग भी हैं, तो मैं तो उसका थोड़ा सा आपको अप्रिय लग सकती है मेरी बात, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से एग्री ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ मीडिया को ये जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं या राजनेता हैं खास तौर से, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं, सारे नेता ऐसे नहीं हैं, लेकिन खास तौर से जो कहते हैं ना एक फ्लूक में एक जरा से तुक्का लगा कर एक नेता बन गए हैं या उनके किसी तरह से मंत्री बन गए हैं या कोई बड़ी चीज़ उनके हाथ लग गई है, सांसदी विधायकी जो है घर बैठे बैठे मिल गई है, इस तरह के नेता सबसे पहले दगाबाजी करेंगे, तुरंत आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। उन्हें ये लगेगा कि यार ये मेरे से कोई सिफारिश की बात कहेगा या कोई मेरे से फेवर मांगेगा और इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे,
और मैंने उन्हें स्ट्रगल के दिनों से देखा है जब वो जमीनी लेवल पर काम करते थे, और हमने उनकी खूब खबरें छापी। उस समय मैं दैनिक जागरण में हुआ करता था मेरठ में, और उनके बारे में हमने खूब बयान छापे, उनके समर्थन में भी स्टोरीज लिखी गई, और योगी जी की सरकार में वो मंत्री बन गए। उसके बाद तो उनका जो है तेवर ही बदल गए। जब भी उन्हें फ़ोन करो तो उनका PA फ़ोन उठाता था कि साहब ठीक है मंत्री जी भेजिए, मैं आपकी बात करा दूंगा। और उसके बाद मंत्री जी का शायद एक आधी दफ़ा आया होगा 5 साल में, लेकिन अगला चुनाव हार गए, आज कोई पूछ नहीं रहा है उनको। तो सब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिस करते हैं ये लोग भी। मेरी भी एक फ्रस्ट्रेशन है इनके प्रति कि इन लोगों ने पत्रकारों को और मीडिया को कंडोम समझा हुआ है कि जब मर्जी उसका यूज़ करो और उसे उतार कर फेंक दो। मैं बड़ा ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं अपने पत्रकार वर्ग के बीच में बैठता हूँ, अपने दोस्तों के बीच में बैठता हूँ, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि यार कंडोम मत बनो कि आपको यूज करें और उसके बाद उतार कर आपको फेंक दिया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग मिस करते हैं, और ख़ास तौर से जो पहली बार के सांसद आते हैं दिल्ली में, उनमें से बहुत सारे ऐसे सांसदों को मैंने देखा है कि पार्टीज़ की ये जो चमक दमक है, ग्लैमर, मॉडल्स, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, उनके साथ गलबहियाँ करना, आपको यहाँ पर इस तरह की महिलाएं भी हर पार्टी में मिल जाएंगी जिनका ये नहीं पता कि ये काम क्या करती हैं, लेकिन हर पार्टी में आपको नज़र आती हैं, क्योंकि वो पार्टी में अट्रैक्शन के लिए होती हैं, एक तड़का लगाने के लिए होती हैं। वो आपको हग करने में, आपके ऊपर गिर जाने में, अपने बाल आपके कंधे पे गिरा देने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगी। और वास्तव में यही सब चीज़ें हैं जिस चकाचौंध से ख़ास तौर से मैं फिर कहना चाहूँगा जो पहली बार के सांसद हैं बहक जाते हैं, या तो बहक जाएंगे या फिर संभल जाएंगे। दूसरी बार सांसद बनते हैं, और जब अगर जैसे महुआ मित्रा वाला मामला हुआ, इससे अगर कोई सबक लेंगे तो संभल जाएंगे कि भैया गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए जो दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी है, इनकी जो पार्टीज़ वगैरह हैं, इनकी जो ग्रुप्स हैं, इसमें जो मीडिएटर्स होते हैं, दलाल होते हैं जो सत्ता के, उनसे अगर दूर रहोगे तो आप बचे रहोगे। लेकिन ये आसानी से नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल होता है इससे निकल पाना। तो कुछ लोगों ने जो आप जयपुर डायलॉग पर जब मेरा ये वीडियो देखा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किए कि मैं इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश डालूं। देखिए, इससे ज़्यादा अगर मैं इसके बारे में प्रकाश डालूंगा तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे और फिर पोल खुलनी शुरू हो जाएंगी। और देखिए, इन चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं होता, मैं इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने फलां आदमी को फलां की पार्टी में देखा था या फलां आदमी के फलां के साथ कॉन्टैक्ट है। मैं जानता हूं कि उनका किसके साथ संबंध है, वो किस किस की पार्टी में जाते हैं, किस किस के साथ वो उठते बैठते हैं, क्या कारोबारी ताल्लुकात हैं, किस इवन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे सांसदों को भी जानता हूं जिन्होंने कुछ बिजनेसमैन के साथ अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनके साथ उनके बिजनेस के टाई अप भी हैं, उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ में भी उन्होंने हिस्सेदारी की हुई है। लेकिन ये सब चीज़ें पब्लिक में नहीं आती हैं। पब्लिक में तो ये तब आती हैं जब पोल खुलती है, सरकार का दबाव पड़ता है, इनकम टैक्स की रेड होती है, या आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, तब ये सब चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कि हीरा नंदानी का है, हीरा नंदानी क्या बोलता, चुप बैठा रहता। आज हीरा नंदानी को जब ये लग रहा है कि बात सीधी मोदी पर चली गई है, प्रधानमंत्री को इसमें लपेटे में ले लिया गया है, तब हीरा नंदानी डर के मारे सामने आया है और उसने महुआ पर ये सारे आरोप लगाए हैं। और अगर महुआ का मामला नहीं खुला होता तो वो तो महुआ की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा होता। तो इन सब लोगों का मैं फिर भी, अगर कोई सांसद जो मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि इन्जॉय कीजिए दिल्ली की इस लाइफ को जो आपको मिली है 5 साल के लिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये आपको जनता के हित में काम करने के लिए मिली है, किसी बिजनेसमैन कारोबारी के लिए सवाल उठाने के लिए नहीं मिली है। गरीब जनता, बेरोजगार युवक, उनके मुद्दों को उठाइए, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाइए, उसके लिए आपको चुनकर भेजा गया है, वरना फिर वही स्थिति होती है जो महुआ मित्रा की हुई है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें स्पष्ट करने में सफल रहा होऊंगा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट रह जाती हैं। फिर भी आपके मन में अगर कुछ सवाल इस कल्चर को लेकर उठ रहे हैं, इस मामले को लेकर उठ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा, मैं उन्हें पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे आप तक किसी अन्य वीडियो में अपने जवाब के माध्यम से पहुँचाऊँ। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।